हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूं आमिर, अमरिंगेशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। आज मैंने, देख सकते हो आप, इतना सारा कुरियर मंगाया है। एंड ये है हमारा ऑफिस डेकोरेशंस का सारा सामान, सारा डेकोरेशंस का आइटम्स है। इसमें से मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे सामान दिखाऊंगी। आप अपने घर को या ऑफिस को या कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। एंड मैंने मीशो से मंगाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको मैंने अभी बस ऐसे ऊपर ऊपर से हल्का हल्का से खोल खोल के ऐसे ओपन करके देखा था और ये आके इकट्ठा हो चुका था, तो बस मैंने सोचा कि इसको फिर आप लोग साथ भी देखूँगी एंड मैं भी देख लूँगी। मैंने मंगाया बहुत ही प्यारा सा ये बकेट, जो कि मुझे मिला है 285 रुपीस का। एंड इसका साथ फ्लावर भी मिला था और ये जो बकेट था वो भी मिला था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको बस थोड़ा सा इसकी जो साइकिल थी उसको जोड़ना था, जोड़ने के बाद सेम जैसे दिख रहा है फोटो में वैसे ही आया था एंड बहुत ही सुंदर सा था। डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब इसे कोई भी जगह पर इसको डेकोरेट कर सकते हो एंड बहुत ही वर्थ इट था। मुझे 385 रुपीस का बहुत सही लगा। एंड उसके बाद ये कि मिरर मंगवाया था, जो कि ये मिरर नहीं था, ये एक्रेलिक शीट थी जो कि मिरर के फॉर्म में कट करके इन्होंने दिया था। पीछे से स्टिकर दिया हुआ था जो चिपकाने के लिए एंड आगे से ही पन्नी लगी हुई थी। इसकी पन्नी को इजिली निकाल देंगे तो ये जैसे मिरर दिख रहा है ना, सेम इसी तरह दिखेगा। 224 रुपीज़ का था जिसमें 10 पीस ऐसे थे स्क्वायर में। एंड इसको आप जोड़ के बना लो, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी तो आप लोग को अलग से सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी। एक ये जो 242 रुपीज़ का था जो कि 4 पीसेस मुझे मिले थे, कॉम्बो में था। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे फोटो में दिख रहा है सेम इसी तरह था। और एक ये मैंने मंगाया था जो कि अपने किचन के लिए मंगाया था, ये मुझे मिला था 543 रुपीज़ का। पूरा जैसे रैक दिख रहा है, ये असेंबल करना था, अलग अलग पूरा मिला था। इसके साथ स्क्रूज भी मिले थे जिसको आप असेंबल करके, जैसे रैक दिख रही है सेम उसी तरह रैक आप इसको बना सकते हो। बहुत ही प्यारी सी बन के रेडी हो जाएगी। जब ये बन जाएगी तो मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। अभी सब ऐसे ही रखा हुआ है। एक ये मंगाया था मुझे, मैंने 346 रुपीज़ का था जिसमें पूरा कॉम्बो था 3 का। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, पर ना ये बहुत छोटा था। जो छोटा वाला पीस था वो बहुत ही छोटा था, बड़ा वाला थोड़ा मीडियम साइज़ का था और छोटा वाला बहुत छोटा था, तो इसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था। कहीं भी सजाएंगे तो ये बहुत छोटा छोटा सा लग रहा था। और 101 रुपये का मैंने ये किचन का मंगाया था जो कि अच्छा था, पर ना ये 25 रुपीज़ ऐड करके ये इन्होंने हमको दिया था, तो 126 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। एक मैंने ये मंगाया था, ये भी कार्डबोर्ड का था, 127 रुपीज़ का। जैसे दिख रहा है सेम उसी तरह आप करके इसको, इस पर छोटे छोटे पॉट्स रख सकते हो। मैंने यही सोच के इसको मंगाया था, पर ना ये लग नहीं रहा था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। एक मैंने ये मंगाया था पॉट जो कि 269 रुपीज़ का 2 पीस था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें फ्लावर डाल के आप रख सकते हो एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये प्रॉपर्स। और एक ही पेन स्टैंड जो कि मुझे 103 रुपए का मिला था और जैसे दिख रहा है सेम इसी तरह है, आपने मेरे देखा होगा ब्लॉग में। और इसमें मैंने पेंस लगा रखे हैं, बिल्कुल बहुत प्यारा सा है, जैसे फोटो में दिख रहा है ना सेम उसी तरह है। और ये एक लीप्स मैंने मंगवाई थी जो 233 रुपीज़ की थी, पैक ऑफ 12 था, जहाँ मैंने लीप्स वाली वॉल बनाई है। आपने मेरी जो मेरा ऑफिस है वो वाली वीडियो में देखा होगा। ये लीप्स मैंने यहीं से मंगवाई थी 233 रुपीज़ की, 4-12 पीसेस थी, एक 8 फिट की है लंबी, 8 फिट लंबी थी एंड बहुत ज़्यादा प्यारी थी। एंड एक ये मैंने मंगाया था स्टिकर्स जो कि 118 रुपए का था, जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज के स्टिकर्स थे। एंड इसको बहुत जल्दी मैं डेकोरेट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बहुत प्यारा लगा था मुझे, ऐसा लग रहा था जब पंखा चलता है तो ऐसा लगता है बस बटरफ्लाई आके चिपकी हुई है एंड उड़ रही है। एक ही मैंने लाइट मंगवाई थी जो कि 70 रुपीज़ की थी। गाइस बहुत अच्छी लग रही थी, पर ना जब आई है तो बहुत दूर दूर लाइट थी, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। और इसके साथ ना इन्होंने ऐड कर दिया था 78 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़ की लाइट थी, 78 रुपीज़ इन्होंने चार्जेस ऐड कर दिए थे, तो बहुत महंगी मुझे लग रही थी। इससे कम की तो मार्केट में मिल जाएगी। और एक ये लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसको वॉल में लगाया है, 144 रुपीज़ की है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब जलती है ना तो इसकी जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक ये भी स्टिकर था जो कि 135 रुपीज़ का है, जैसे वॉल में दिख रहा है इसी तरह आप डेकोरेट करो तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक्रेलिक शीट है, मिरर नहीं है पर बहुत प्यारा है। एक ये नेवर गिव अप का मैंने मंगाया था, 88 रुपीज़ का था, ये भी मुझे मिला था 150 रुपये का, पर ये टूटा हुआ आया था तो मुझे इसको भी रिप्लेस करना पड़ा। एक लाइट थी 434 रुपीज़ की, जो कि मैंने 3 पीस मंगवाई है एंड बहुत अच्छी लगती जलने पर, इसको भी मैं बहुत जल्दी दिखाऊँगी आपको। और लगवा लिया मैंने
फ्लॉप आर्ट भी आपने मेरे ऑफिस में देखा होगा, मुझे 893 रुपीज़ का मिला है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा दिल अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो इतना पैसा मैंने इस पे लगाया, मेटल का है तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। एक ये हैंगिंग लाइट थी जो कि 705 रुपीज़ की थी, और ये तीन ऐसे जैसे दिख रहा है ऐसे ही आप इसको बना लो, अलग अलग था, पहले इसे पूरा असेंबल करना पड़ेगा, और सेम उसी तरह था। एक मैंने मिरर मंगवाया था जो कि आपने मेरे ड्रेसिंग में देखा होगा, 987 रुपीज़ का था, बहुत खूबसूरत मिरर था, और इसकी जो लीव्स थी वो बहुत अच्छी थी, जैसे फोटो में दिख रहा था सेम उसी तरह आया था। आपने मेरी ड्रेसिंग टेबल में भी देखा होगा। आई होप हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सारी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आउट ऑफ स्टॉक है उसको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है उसकी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। आप मेरी सारी वीडियोज़ देखिएगा एंड मैं एकदम करेक्ट रिव्यू देती हूँ, तो इसकी वजह से आप लोग लाजमी देखिएगा एंड उसको आप मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।